अपनी फैमिली का ध्यान रखना, और वो मैं रखता हूँ। तुबा क्या खाना है? पिज्जा। आपको पता है आपके क्या किया चाची ने आपके मुंह पे? चोनी मोनी मेरी, चोई मोई। तुबा ना क्या करते ना, गोदी माती रोती है। क्या गलती होगी बेटा, सो जा बेटे। नमस्कार गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। भैया अभी कार्यक्रम शुरू हो गया, अगर बात की जाए रात के 10 बज गए हैं, और ये देखो दोनों नमूने अभी तक सोए नहीं है, ना सोने का नाम ले रहे। लक्ष्य कब तक सोएंगे? अभी लगेगा टाइम। ये बोल देना भूल जाओ, क्योंकि ये अभी उठे दोनों के दोनों। जैद 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 12 बजे के बाद। थैंक यू सो मच, बहुत सारे कमेंट आ रखे थे कि आप जैद और बच्चों का बहुत ज्यादा ध्यान रख रहे हो। तो देखो मैंने जिंदगी में एक ही चीज सीखी है कि मैंने अपनी फैमिली का ध्यान रखना है, और वो मैं रखता हूँ। मतलब जिंदगी में मेरा कोई दोस्त नहीं है, एक ही है लखन भाई, नीतू और जतिन भाई, उसके बाद हमारी पूरी टीम और कोई नहीं। क्या बोलती है? सही बात है, अभी ये 12 बजे के पास सोए। हाँ भाई, क्या खाना है? खिचड़ी। क्या खानी है? ओए चिचड़ू। उन्होंने उंगली खड़ी करी इधर से। तुबा क्या खाना है? पिज्जा। आप खिचड़ी खाओगे? बना दे, इनको भी खिला देता हूँ। ये देख इसकी हरकत देख, ये देख इधर तुबा इधर। तुबा ना क्या करते ना, गोदी माती रोती है। तुबा है अपनी माँ की दीवानी, मेरी लाल। तो भाई जितना हो सके बच्चों को टाइम दो, किसी के पास इतना टाइम नहीं है, बच्चों के लिए बिल्कुल टाइम नहीं होता आज के दुनिया में। और मैं किस्मत वाला हूँ कि मैं व्लॉगिंग करता हूँ, और मैं 24 घंटे बच्चों के साथ रहकर व्लॉगिंग करता हूँ। उसकी मार रही है वो। तो अच्छा, मार नहीं है तो बाबा। अच्छा सॉरी। तो बच्चे ना काफी टाइम सो चुके हैं, अभी 2-2.5 घंटे आराम से सो गए हैं। अभी वो अच्छे से फ्रेश हो गए उठ के, अभी उनको मैं खिचड़ी बना देती हूँ, खिचड़ी खिलाऊंगी अच्छे से पेट भर के। तो यहाँ पर भैया दोनों बहन भाई लड़ रहे थे, अभी तुबा को समझाएगी। छोटा बड़ा भाई है, लड़ते नहीं है। ये देखो ये आ गया इधर मैं जान इधर। इसका तो कुछ अलग ही रहता है लड़ने का। ये वैसे भोला बच्चा ही, लड़ता नहीं है ये प्यार वाला बच्चा है। इसे अभी सुलाओगे ना, इसको अभी सो जाएगा, पर ये नहीं सोते। इसके चेहरे पर ना बहुत मासूमियत है। मेरी तरह ना सेम आप। मैंने अपना नाम लिया ना, मेरे पास है ये पायल। वो गुस्सा हो गई। आखिर क्या बताऊँ, ये पायल है। हाँ। और ये सेम गोल हुआ, जैसे गोल नटखट ये वैसा है, और वो जो है ना वो मिलता है। निक्की ये क्या किया लड़की के मुंह पे? एक बार सिद्धि करके दिखाई दो उसको। सिद्धि करना इसको, तो देख लो गाइस, निक्की ने ऊपर इसके मुंह पे कलाकारी कर रही है बैठ के। तुबा दिखा, आईब्रो उसके ब्लैक कर दी बेचारी के। तुबो आपको पता है आपके क्या किया चाची ने आपके मुंह पे? तो ये लड़की बोल रही है कि मैं इसके काजल लगा दूं। मैं कह रही हूँ इसके पापा गुस्सा होंगे, मत लगा, फिर भी लगा रही है। आंखें काले करे वो मल लेगी, आंखें उसकी काली हो जाएंगी। तुबा दिखाई अपनी शक्ल, क्या बनाया तेरे को इसने? ये चल ठीक है, आईब्रो तूने काले किए तो किए, ये साइड पे डॉट टू क्या लगा दिया तूने? हैं नजर ना लगे तो यहाँ पे टिक्का लगा दे, कान के पीछे लगा दे उसके। है निक्की मेरे बच्चे के साथ वो मत कर। जैद ये लो, जैद जैद ये लो, आओ भाग के फटाफट ये लो। जैद आजो 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 मेरा बच्चा, आजो आजा काके, चोनी मोनी मेरी, चोई मोई, आजा आ मेरा चोना बुगलू जा। इधर मुकरो, आपने पेट भर के खाया आपने? तो गाइस अभी मैंने इनको पराठा बना के खिलाया है, घी से पूरा डिबो के चूरी बना के बिल्कुल इनको बच्चों को खिलाई है मैंने। अभी इनको वॉकर में डाल दिया ताकि इनका खाना जो प्रॉपर डाइजेस्ट हो जाए इनको। तुबा कंपटीशन चल रहा था ना हमारा, को पता है कैमरा चल रहा है, कैमरा चल रहा है ना, अब नहीं चलेगा। बड़ी चलाक औरत है, औरत सुने सॉरी बच्चा है, बड़ा चलाक बच्चा है। औरत तो तू ये औरत है। जैदू चनी अंजी क्या? तो अभी भी इसकी देख लो आईब्रो साफ नहीं हुई अच्छे से, इतने काला कमल दी उसकी आईब्रो में भर भर के। आज इसका मेकअप मैंने किया, बड़ा ही गंदा मेकअप किया निक्की तूने। कल फिर बता दो, व्लॉगिंग कब स्टार्ट कर रही है? रोज बोलती है आज करूंगी है। नहीं वो पूछ रही कब करेगी। कल थी। चल कल तुबा के साथ व्लॉगिंग स्टार्ट कर दे, ठीक है तुबा? और तुबा इसके व्लॉग में आ। मैं तो देखो कल भी मैंने रात पहले आया तुबा को सुलाया, तुबा कल इतनी परेशान हो रही थी, रात को इतनी ज्यादा परेशान हो रही। आज निक्की चाची की करवाएगी आपको।
तो गाइस हमारे जो घर के लिए हीटर आया था वो अंदर दोनों रूम्स में लगा हुआ था क्योंकि उसके लिए हमें पावर प्लग चाहिए था। तो पावर प्लग था जो वहाँ बाहर नहीं था, तो आज मैंने पावर प्लग लगवाया है और मैंने जो हीटर है ये बाहर लगवा दिया पूरे लॉबी में ताकि पूरा जो घर है हीट में रहे और बच्चों को ठंडा लगे। पहले मैं यहाँ पे लगवा रही थी, फिर मैंने सोचा बच्चे के यहाँ पे हाथ लगा लेंगे उसको उनका हाथ ना जल जाए, तो मैंने इस साइड लगवा दिया ताकि बच्चे आराम से यहाँ पे खेलते रहे, उनको ठंड में ना लगे। अच्छा तो गाइस रोज तू पैसे होते रोज सोने टाइम। तो गाइस टाइम देख लो क्या हो रहा है। तो रात के ना 3:30 बज गए पर ये लड़का सोने का नाम नहीं ले रहा। क्या गलती होगी बेटा, सो जा बेटे हैं। मैं सोच रहा हूँ मम्मी को, दोनों मम्मियों को ऑल इंडिया का टूर कर दूं एक साल और तुझे मैं ही रखूं और रोज रत जगा करूं और सुबह मैं भी सोऊं। क्या बोलती लक्ष्य? तो इसको ना मुझे लगा था आदत पड़ गई है। हाँ। कल भी इसने ऐसे किया, आज भी सेम ऐसे ही कर रहा है। सो जा यार। तो गोलूरपाल से मेरी बात हुई थी कि आज प्रेमानंद जी के दर्शन हुए उन्हें सुबह सुबह और तकरीबन उन्होंने बहुत सारे मंदिरों में जाके दर्शन किए। तो मैंने बोला यार मेरा ना मुझे लग रहा था बुलावा ही नहीं है इसलिए मुझे वृंदावन जाना ही नहीं हुआ, पर पीछे से जो मेरा काम था वो कम्प्लीट हो गया। क्या हो गया? खो गया था नीचे। तो यहाँ पे रात को बच्चों को हमारे ब्लॉग दिखाए जा रहे हैं। तो रात के 4 बजे मैं इसको पागल बना रहा हूँ कि सो जा भाई, सो जा बेटी, सो जा यार, कोई गलती मुझे लग रहा है सोएगा, ये आंखें मसल रहा है। लक्ष्य दूध ले गया इसके लिए, सो जा बांदर के बच्चे सो जा। तो गाइस सुबह ज़ायद सोया 5:48 पे। हाँ तो यहाँ पे तो बरानी भी उठ गई है। गुड मॉर्निंग चनो, कैसे हो? पैसिफाई निकाल भी दिया करो। अब ये ना चिल्ला रही थी मेरे को ताकि ज़ायद ना उठ जाए। बब। और फिर ज़ायद सुबह दोबारा से उठ गया है, 8:15 उठ गया था सुबह। पीछे से चिल्ला रही है कि मुझे भी लो, अगर मैं कैमरा उसकी तरफ करती हूँ तो फिर चुप कर जाती है, अब पीछे से चिल्ला रही है। अच्छा निकी कह रही सेम मेरे जैसी है, पीछे से मैं बोलती हूँ कैमरा चलते हुए चुप। कैसे दिख रही है? चाय पियोगी? चाय पीनी है आपको? मेरी बेटी को चाय पीनी है? दूर कैसे गुस्से से देख रही है मेरे को? कबारानी बड़ी सियानी। इस लड़के को देख लो, इस लड़के ने ना डेली अपनी आदत बना ली है सुबह सोने 4:05 सी टाइम है इसका। देखो डेली ऐसे ही करता है या चेंज करता टाइम। तुबा और तुबू क्या घूम गया तेरा? तो गाइस ये लड़की ना वहाँ पे थी और उसको कैमरा पड़ा दिख गया यहाँ पे और वैसे सुंडी की तरह मटकती आई हुई यहाँ पे चीजिया और इतनी जोर से काटती ना मेरी उंगली पकड़। क्या है ये तुबू, इतनी जोर से कौन काटता है? चलो खड़े हो गया। हाँ लंगड़ा क्यों रही है ऐसे, सीधी खड़ी हो। क्या तो जिसको आप देख रहे हो ना ये लड़की छुट्टियों पे जा रही है शांति, क्यों हमारे पे इतना वो कर रही है? 10 दिन के लिए जा रही है। हमें क्यों सजा दे रही है? जरूरी है ना जाना यार, 2-4 दिन के लिए होता है, 15 दिन के लिए कौन जाता है? काम है। तो शांति दी तो चली जाएंगी, तो उसके बाद खाना हमें कौन खिलाएगा? आप बनाए करना या दीदी है ये बनाए खिलाया करेंगे। करेले करेले खाओ। तो यहाँ पे तू बरानी भी सो गई है, कब उठेगी आंटी? अभी रात को सोते नहीं है, दिन में सोते हैं। अगर आपने उसको दिन में सुलाया फिर देखना। दिन में तो रोते हैं ना, सोऊंगी तो नहीं। अब धक्के से सुलाते बच्चों को नहीं, ये मैं धक्के। तो यहाँ पे मैंने ज़ायद को भी सुला दिया था, अब ये उठेगा आराम से 12:01 तक। वैसे आपको मैंने बाहर का वेदर दिखा देती हूँ, हमारे बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही है 3-4 दिन से, आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल धुंध है, बिल्कुल धुंध, कुछ भी नहीं दिख रहा बाहर, कुछ भी नहीं। निक्की लाइट बंद कर, ज़ायद सो रहा है, चल सोने ठीक है, फिर उठेंगे आराम से 3-4 घंटे तक, पीले चाय पीले फिर सोते हैं। हमारे शिफ्ट हो गया कंप्लीट, हम अब सोने जाएंगे। नहीं और नहीं ठीक है निक्की। शांति जी क्या बना रहे खाने में? आज बनाएंगे बैंगन का भरता, वो तो दोपहर के लिए होगा। अभी तो मूली के पराठे बना दो। गाइस जो ये वाला हीटर है ना शांति दी, इस हीटर से कितना आराम है घर में, ये उससे अच्छा है। हाँ ना, इस ये ज्यादा गर्म कर रहा है, वो वाला अच्छा नहीं इतना, ये वाला अच्छा, इससे ज्यादा ही मतलब गर्म है। तो शांति दी जो सुबह सुबह आती है तो बता दो ठंड कैसी है बाहर? आज तो हम आए बाहर तो बहुत ज्यादा ही ठंड हो रही, तो बहुत धुंध, मुझे 10-15 मिनट के बाद ऑटो मिली, मैं खड़ी रही वही रोड, इतनी धुंध पड़ रही, हवा चली ना बाहर बहुत। गाइस मुझे लगता है ना शिमला की तरफ बर्फ पड़ गई है, तो कमेंट करके बताना हमें कहाँ कहाँ बर्फ पड़ चुकी है। शांति दी मैं तो जा रही हूँ सोने, ठीक है? 2-3 घंटे सोऊंगी मैं आराम से, ठीक है? और आप घर का सारा काम कुम करवा लेना, ठीक है? हाँ ठीक। गाइस अब मेरे को बहुत जोर से नींद आ रही है, तो इस ब्लॉग को हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।